नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मनीष सिसोदिया को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार के बाहुबली अनंत सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी मोकामा में सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह इन दिनों सलाखों के पीछे। उनके पैतृक आवास से AK-47 समेत अन्य हथियार बरामद होने के बाद उन्हें 10 साल की सजा हुई, जिसके बाद उनकी विधायकी भी खत्म हो गई है। राजद के पूर्व विधायक इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि एक अन्य मामले में गुरुवार को MP-MLA कोर्ट ने 10 साल की और सजा सुना दी थी। भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ आज से वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। साथ ही भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज भी खेलनी है। इसके बाद अगले महीने भारतीय टीम 6 साल बाद जिम्बाब्वे दौरे पर भी जाने वाली है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया है। ममता बनर्जी की पार्टी TMC उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी। ममता बनर्जी ने गुरुवार को शहीद दिवस रैली के बाद लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की। सरकार ने भारत की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान, प्रत्येक घर पर तिरंगा लगाने की शुरुआत की है। मस्तिष्क या दिमाग हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है, या ये कहे कि ये पूरे शरीर का नियंत्रण कक्ष है। यहीं से मिलने वाले संकेतों के अनुसार हमारा शरीर काम करता है। हालांकि कई बार ब्रेन में भी कमियां या बीमारियां हो सकती है, जिन्हें ब्रेन डिसऑर्डर्स कहा जाता है। सीमा पर अपने विस्तारवादी रवैये से चीन बाज नहीं आ रहा है। डोकलाम में एक बार फिर से उसने अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए और उनकी तरफ से गांव बसाने की खबरें हैं। इसको लेकर भारत ने पड़ोसी देश भूटान को आगाह कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। फिलहाल जो बाइडेन आइसोलेशन में है। उनके कोरोना के हल्के लक्षण हैं। जहां एक तरफ भारत में कोरोना की रफ्तार कमजोर पड़ रही है, तो दूसरी तरफ कई देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला समर्थित अकासा एयर में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कंपनी ने इनकी फ्लाइट टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने जानकारी दी है कि इसके फ्लाइट की टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है और पैसेंजर्स इसमें सफर करने के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन संसद में मौजूदा सत्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने वाले हैं। ये एक निजी बिल होगा। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए रवि किशन ने कहा कि हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाया जाए। जनसंख्या को नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बायजूस और पेटीएम के साथ सभी तरह से कुछ भी सही नहीं चल रहा है। बायजूस टीम की जर्सी का स्पॉन्सर है और बायजूस पर BCCI के करोड़ों रुपए बकाया है और टाइटल स्पॉन्सर पेटीएम BCCI का साथ छोड़ना चाहता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों की मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपया अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है। RBI गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक रुपए में तेज उतार चढ़ाव और अस्थिरता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि RBI के कदमों से रुपयों के सुगम कारोबार में मदद मिली है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर चर्चा जोरों पर है। देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जैसे रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ग्राहक दूरसंचार सेवाओं के लिए बोली लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं विशेषज्ञ भी इस नीलामी को लेकर अपना अपना अनुमान जता रहे हैं। भारतीय लेजेंड सुनील गावस्कर को इंग्लैंड में जल्द ही एक बड़ा सम्मान हासिल होने वाला है। यहां लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड को अब सुनील गावस्कर के नाम से पुकारा जाएगा। ये पहली बार होगा जब यूरोप के किसी देश में क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा। गावस्कर खुद इस मौके पर लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद रहेंगे। इस इवेंट में शनिवार को ये रखा जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराने के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचक मंडल सहित सांसदों और विधायकों के 64% से अधिक वोट हासिल किए। 3 राज्य ऐसे रहे जहां मुर्मू ने क्लीन स्वीप किया। आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में उन्हें 100% वोट मिले। भारत सरकार के प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक माने जाने वाले नीति आयोग ने इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी एक ताजा रिपोर्ट जारी की है। इसे इनोवेशन इंडेक्स 2021 के शीर्षक से जारी किया गया है। इसके अनुसार इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए पंजाब ने 4 पायदान की छलांग लगाते हुए 6ठा नंबर हासिल कर लिया है। पहले ये राष्ट्रीय सूची में 10वें स्थान पर था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट शुक्रवार यानी 22 जुलाई को सुबह जारी कर दिया है। इस बार के नतीजे में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। अमेरिका के यूजेन में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा राउंड 1 में 88.39 मीटर दूर भाला फेंक कर और ग्रुप ए के क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप पर रहने के बाद फाइनल में पहुंच गया है। ओरेगन 2022 में जैवलिन थ्रो कंपटीशन में खिलाड़ियों को क्वालिफाइंग कट 83.50 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन नीरज ने इसे कुछ कई ज्यादा दूर भाला फेंक कर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट शुक्रवार की सुबह जारी कर दिए। इस बार के नतीजों में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली तानिया सिंह को CBSE बोर्ड के 12वीं में 500 में से 500 नंबर मिले हैं। 500 में से 500 नंबर लाने वाली तानिया सिंह की 12वीं बोर्ड की मार्कशीट की कॉपी सामने आई है। फिल्म इमरजेंसी कंगना रनौत द्वारा लिखित एक और निर्देशित है। फिल्म को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कंगना फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही हैं। रनौत ने कहा है कि जेपी नारायण हाल के भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी के बाद राजनीति में सबसे शक्तिशाली इंसान थे। फिल्म निर्माता अविनाश दास को गुरुवार को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर बुधवार को अहमदाबाद लाया गया। बुधवार को अविनाश को कोर्ट में पेश करने के बाद एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बिहार के दो बड़े राजनीतिक चेहरे हैं। बॉलीवुड में उनकी अदाकारी से 3.5 दशक से लोगों का दिल जीत रहे अनुपम खेर बिहार के दोनों नेताओं के गुरु बनने वाले हैं। चौंकने वाली बात नहीं है, ये रियल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में होने जा रहा है। दरअसल अनुपम खेर एक फिल्म में इन दोनों नेताओं के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले जयप्रकाश नारायण की भूमिका में नजर आने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आते ही द्रौपदी मुर्मू के पास बधाइयों का तांता लग गया है। इस बीच अब भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मुर्मू से मुलाकात करके उनके आवास पर पहुंच गए थे और इसकी जानकारी खुद संजू जायसवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। उन्होंने कई तस्वीरें भी शेयर की। संजू जायसवाल ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा कि आज आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके आवास पर मिलकर विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने पर बधाई दी। बिहार में मॉनसून आते ही वज्रपात का कहर भी शुरू हो गया है। गुरुवार को बारिश के साथ हनका गिरने से 8 लोगों की जान चली गई है। 2 दिन के बारिश में बिजली गिरने से 16 लोगों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में हनका गिरने से सबसे ज्यादा मौत गोपालगंज में हुई है, जबकि भोजपुर में 1 और लखीसराय, सिवान और कटिहार में 1-1 लोगों की मौत हुई है। बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग होने से सियासी गलियारे में खलबली मच गई है। विपक्ष के कम से कम 8 विधायकों ने यशवंत सिन्हा के बजाय एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजू जायसवाल का दावा है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले सभी विधायक लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के थे। द्रौपदी मुर्मू को बिहार में 133 वोट मिले। उत्तर प्रदेश शासन ने समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। राजभर को वायु श्रेणी सुरक्षा मिलने के बाद सपा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से राजभर की नजदीकी बढ़ने का आरोप लगाते हुए आक्रामक हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस जांच से पहले आबकारी विभाग संभालने वाले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। केजरीवाल ने उन्हें कट्टर ईमानदार बताते हुए कहा कि उन्हें जेल और फांसी से डर नहीं लगता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल गए हैं और हमारे मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो नहीं मिल रहे हैं। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जल्द ही सीबीआई केंद्र के इशारे पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को विकास दुबे मुठभेड़ मामले में आयोग की तरफ से सौंपी गई सिफारिशों पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम राज्य सरकार को आयोग की तरफ से सुझाई सिफारिश पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। उस पर रुपए के डॉलर की तुलना में लगातार गिरने से हालात और अधिक ज्यादा खराब हो गई है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुताबिक रिकॉर्ड 228.50 रुपए पर पहुंच गया है। इसका अर्थ यह है कि देश में एक डॉलर की कीमत 228.50 रुपए हो गई है। इसका असर हर तरफ दिखाई देने लगा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है जिगेश कुमार, मिथिलेश कुमार, आदित्य राज, मृत्युंजय कुमार, विक्रम राज, जितेंद्र ठाकुर, अनमोल पुष्कर, दिनेश कुमार, नीतीश कुमार, दीपक कुमार, आसिफ रिजा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत का सबसे विश्वसनीय मित्र कौन सा देश है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।